माता देने का एक प्रण लिया आज भी शिखर के मुकाम पर है। डॉक्टर राम मोहन एक कर्मठ और सामाजिक व्यक्ति है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर राम मोहन एक ऐसा व्यक्तित्व जो है जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, वो बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षाविद है और मुझे कहना चाहिए कि समाज सेवी के साथ साथ एक जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन में जो गुण होना चाहिए वो डॉक्टर राम मोहन के अंदर है। डॉक्टर राम मोहन जी एक महान व्यक्तित्व हैं। बचपन से ही हम दोनों भाई साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े, तो जहां तक मैंने उनके बारे में जाना कि विशाल हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व हैं, जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। कई स्कूल बनाए, कई मंदिर बनाए। एक जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ईश्वर में असीम आस्था और ईश्वर की तरह ही माता पिता और बड़े भाई बहनों में आस्था। डॉक्टर राम मोहन के व्यक्तित्व में स्नेह में, ममता में, राष्ट्रमय होने की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कहा जाता है ना, मीठे पेड़ में मीठे फल। डॉक्टर राम मोहन के सुसंस्कार उनके परिवार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सुखी परिवार से सुखी समाज और सुखी समाज से सुखी राष्ट्र का निर्माण होता है। कुसुम जी, मैं फ्राइड इडली बना रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब को और बच्चों को दोनों को ही बहुत पसंद है फ्राइड इडली, तो आज मैं उनके लिए फ्राइड इडली बना रही हूँ। डॉक्टर साहब का नहीं, अपने स्कूल टाइम के बाद मेरे पास जो पल बचता है वो मैं बच्चों को और डॉक्टर साहब को ही देना चाहती हूँ। और अच्छा लगता है जब अपनों के लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हो आप उनके लिए कुछ बनाएं, उनको खिलाएं अपने हाथों से, तो जो खुशी होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है और अपने अपनों के चेहरे पे जो भाव आते हैं वो बहुत ही संतुष्टि।